हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा आपको पता है कि मैं एक दो महीने से बोल रहा था, मतलब हम लोग मार्केट में एक टूल लाने वाले, जिससे महिंद्रा वगैरह का जो हम लोग इमोबिलाइजर चेंज कर रहे हैं या आईसीएम वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो लॉन्च से या कुछ और स्कैनर से नहीं हो रहा है। अपने को आईस्मार्ट या गरोडा वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसा स्कैनर हम लोग देख रहे थे, जैसे मतलब ईसीएम रिप्लेस हो जाए, इमोबिलाइजर चेंज हो जाए। तो अभी अपने पास डेमो के लिए दो पीस आया हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं, मैक्सिस का IM608 दिखाओ यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक यहाँ पे दिखाओ नीचे, मैक्सिस का जो एलाइट है ये, एक सेकंड, देख सकते हो मैक्सिस एलाइट, थोड़ा ऐसा करो, ठीक है। दो पीस डेमो अपने पास आया हुआ है, तो इसको मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, इसका अनबॉक्सिंग करके और इसमें क्या क्या आता है, और एक दो चार दस दिन के अंदर आपको मैं इसको यूज करके बताऊंगा, मतलब कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं काम कर रहा है। एक अभी ट्रायल पे है ये डेमो के थ्रू, एक आठ दस दिन, तो आठ दस दिन में आपको मैं इसको रिपोर्ट दूंगा, एक दस दिन के अंदर, कि मतलब कैसा काम कर रहा है, काम सही हो रहा है कि क्या क्या इसमें फीचर है क्या नहीं। अभी सिर्फ मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ इसके अंदर। ये जो जैसा कि देख सकते हो इसका यहाँ पे, इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसा यहाँ देख सकते हो IM608, बट मैंने अभी इसको यूज नहीं किया है। जब तक यूज नहीं करेंगे हम लोग, तब तक श्योर नहीं मतलब क्या क्या काम करेगा, क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो, ये देखने में जो इसका ये जो बॉक्स है, काफी मतलब मजबूत और एकदम अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है जो इसका बॉक्स है, जो ये पूरा। और इसका आप टैग देख, जो इसका जो टैबलेट है, जो मेन यूनिट है, देख सकते हो आप, इसका एकदम 10 इंच का टैबलेट है ये, और काफी हैवी ड्यूटी लग रहा है ये। इसको जब तक ऑन करके छोड़ देते। और ये इसका यूजर गाइड्स है, देखो यहाँ, ये इसका यूजर गाइड आता है इसके अंदर। और ये जो ग्रिप वगैरह काफी अच्छा है इसको पकड़ने के लिए, जो इसमें हैंडल वगैरह दिया है, ये जो ग्रिप वगैरह देख सकते हो आप, रख के यहाँ पे ऐसा सामने यूज कर सकते हो। तो देखने में एकदम जैसा बोलते हैं ना, इसके अंदर लगना चाहिए वैसा लग रहा है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि कोई 10 इंच 12 इंच का जो टैप रहता है उस टाइप का नहीं है, देख सकते हो आप जरा देखने में। ये कैमरा वगैरह भी, अब इसको मैं आपको एक फुल डिटेल दूंगा इसको बहुत जल्दी, एक 8-10 दिन के अंदर पूरी डिटेल इसको यूज करके आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या फीचर है और क्या क्या है, क्योंकि जैसा आपको पता है मैक्सिस एक अच्छी कंपनी और बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं इसके अंदर, जो मर्सिडीज BM ऑडी ये जो गाड़ियां हैं जगुआर वगैरह के लिए, गियर कैलिब्रेशन या ECL वगैरह, ये सब जो बाकी फीचर्स रहते, ये सब में तो ये पहले से काम करता था। बट अभी इसके अंदर इंडियन गाड़ी का सॉफ्टवेयर डाला गया है, मारुति महिंद्रा के लिए भी काफी, जो इसके अंदर है ना मारुति महिंद्रा का भी सॉफ्टवेयर है, जैसे अगर आपको ECM वगैरह चेंज करना है, इमोबिलाइजर चेंज करना है और भी बाकी फीचर्स है। ऐसा कंपनी का कहना है कि अभी कंपनी ने इसके अंदर डाल के दिया, बट जब तक मैं यूज नहीं करूंगा, जब तक अपने को पता नहीं चलेगा, तभी बता पाऊंगा कुछ सही है कि नहीं। तो देख सकते हो ये इसका 10 इंच का इसमें टैब, और काफी अच्छा इसका ग्रिप वगैरह दिया हुआ है, देखने में एकदम लगता है कि अगर हम कोई कस्टमर के सामने अगर इसको यूज करें तो लगता है हाँ भाई ये स्कैनर है वाकई, मतलब कुछ अच्छी चीज। देख सकते हो यहाँ पे इमो प्रोग्रामिंग डायग्नोस सेटिंग अपडेट, और यहाँ पे जो गाड़ियां हैं जैसा कि देख सकते हो आप, हिस्ट्री वगैरह US यूरोप सब दिया हुआ है, जैसा लॉन्च वगैरह में आता है G-Scan 2 में, ये सब में ये ऑल। और ऑटो विन का भी इसमें ऑप्शन है, जैसा आपको पता है अभी सब में आने लगा इसके अंदर में, विन नंबर ऑटोमेटिक रीड कर लेता है। और इसके अंदर क्या क्या आता है इसके साथ में देखते, इसकी केबल्स वगैरह है जो इसकी वो मॉड्यूल, और हाँ इसके अंदर दो जन क्यों मेहनत करने को, देख सकते हो इसके अंदर जो टूल से सामान। अभी बस मैं आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ छोटा सा, मतलब ये अनबॉक्सिंग का, बाकी आपको मैं पूरी डिटेल बहुत जल्दी इसके बारे में इंशाल्लाह दूंगा जल्दी। ठीक है, ये इसका मेन